गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के खाने में दाल, भिंडी और रोटी है। गाइस, अभी मम्मी भी रेडी और मैं भी रेडी। अभी मम्मी और मैं जा रहे थे मार्केट, क्योंकि मेरे कल फंक्शन है 15 अगस्त का, तो उसमें मेरा डांस का पार्ट है फौजियों वाला, स्टंट विस्टंट का। फौजियों वाला नहीं, आर्मी वाला। हाँ, आर्मी वाला। इतने बड़े स्कूल में पढ़ गए फौजियों, तो क्या हो गया, तो कहा हो गया। तो मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मम्मी ने पापा को फोन किया कि आप कब तक आओगे। तो पापा ने बोला मैं लेट आऊंगा, तो पापा ने मना कर दी। तो फिर मम्मी की आंख में दर्द था, मम्मी और मैं रेडी हुए। फिर मैंने अपने दोस्त से बात की, तो उसने बोला मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊंगा और तेरे लिए ले आऊंगा, तू टेंशन मत रख। उसे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम सार्थक है, मैं उससे बातें भी करता हूँ। और अब मेरी मम्मी भी कुछ, मेरी मम्मी की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। ओके गाइस, इसीलिए मैं तेरे को किसी भी चीज में नहीं लगा, तू हर हर चीज में टैटे टैटे मचाता है। चिल्ला के ना ज्यादा, मैं तेरे पतंग कर रही, मैं पतंग ही खत्म कर दूंगी तेरी। थोड़ा सा काम करता उसमें रोता है, काम करता हुआ मार खाने के काम करता है सारे दिन। देखो ये लड़की किसको भेज रही है, प्रिंटर को, प्रिंटर को कुछ निकालने के लिए भेज रही है, और ये लड़का लाने के लिए मना कर रहा है, और मेरी तबीयत खराब है। इस चीज़ का दोनों फायदा उठा रहे, इस तरह मार मांग रहे, वो जा नहीं रही और वो टैटा मचा रहा है। उसको पतंग चला नहीं है बस, और पतंग उड़ानी है। पहले भेज दिया अंकल को, जा निकाल देंगे जल्दी से। पक्का मैं तो नेक्स्ट टाइम से जो तू कहेगा वो पक्का, प्रॉमिस। जा इसको 10 रुपए दे दियो, 10 रुपए का ही भूखा मोमोज का। मेरे पे 500 का नोट है, उसके अलावा एक भी नहीं है, वो भी मैंने मम्मी को दे दिया। मम्मी दे दो प्लीज। ये लड़की मेरे को ना 5 रुपए भी देती है ना गैल मांग लेती है, और इसके पापा भी मुझे 5 रुपए भी देते हैं ना वो गैल मांग लेते हैं। गाइस मैं पर है ना, मेरे पैसे कोई नहीं देता। नहीं, मैं अगर मैं पापा को भी देती हूँ तो मैं तो तुरंत मांग लेती हूँ, लो फिर देते नहीं है जल्दी से। और तेरा पापा मेरे पैसे तो नहीं देता, कोई भी नहीं देता मेरे पैसे, कोई नहीं देता, ये भी नहीं देता, ये जो है रईस चंद्र, ये तो बंदर लाल है, बंदर लाल फूट मुंह की तरफ। गाइस मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो फिर पिटूंगा। तीन ना ये वाली शीट दे देना, ये प्लेन ऐसी प्लेन। ओ गाइस अभी मैंने ये वाली शीट ले ली है प्लेन वाइट, एंड वो भी ले लिया है दीदी का प्रिंट आउट। दुकान कुछ ऐसी है, वाइट की सो गाइस आपको पता है पीयूष की फ्रेंड की मम्मी इतनी अच्छी हैं, वो पीयूष के लिए कपड़े लेने गई हैं स्कूल के, क्योंकि पीयूष के स्कूल में फंक्शन है, इस वजह से उसके मम्मी पीयूष के लिए कपड़े लेने गई हैं। क्योंकि मेरे आई फ्लू हो रहा है, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ अभी, इस वजह से। गाइस मेरी मम्मी पता नहीं क्यों इतनी स्लो मोशन में क्यों बोल रही हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ मम्मी स्लो मो में चलती, क्योंकि मुझे जुकाम भी हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, और मेरी मम्मी पूजा भट्ट की तरह च्युइंगम चबा रही हैं, और मैं चिकन खा रही हूँ गाइस। सूखते मेरे ये दोनों चीजें ना जो दांतों के नीचे दब जाती है, ऐसा ही नहीं लगता है मेरे दब जाता है गाइस, सच में गाइस वो मेरी बेस्ट मेरे कटे पड़े अंदर से गाल, इस वजह से मुझे चिकन गाइस इनके गाल चमड़े मोटी हो गई।
इसमें मोटी हो गई नहीं, मेरे बच्चे कह रहे हैं इसलिए। गाइस वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है और बच्चे पूछते हैं तेरे बेस्ट फ्रेंड को, मैं बताता नहीं हूं। गाइस सुन लिया, इसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है वो। इसकी नहीं, इसके पर बहुत अच्छी है, जो भी है बहुत अच्छी। मम्मी को भाभी बोल दिया इसलिए अच्छी लग रही है। नहीं गाइस, जो दूसरे के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपना काम घर का छोड़ के गए हैं बाजार, बहुत बड़ी बात है, मानना चाहिए। मैं मानती हूँ गाइस, मुझसे कोई कहे तो मैं 10 बार सोचूंगी, पर उन्होंने मेरे लिए किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी लड़की है। सो गाइस मैं उनसे कभी भी नहीं मिली, ना ही देखा, ना मैंने उन्हें देखा, ना कभी फोन पे बात हुई, ना कभी फोन पे बात। आज पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी उनसे फोन पे बात हुई, वो भी वो पीयूष का साइज पूछ रही थी इसलिए। पर वो बहुत अच्छी लेडीज हैं, बहुत ही अच्छी, कि ओनली पीयूष और वो उनके बेटे हैं जो पीयूष और वो फ्रेंड है, इस वजह से वो जा रही हैं। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। कोई मुझसे कहता है कि मैं ला दूं तो मैं 10 बार सोचती, पर उन्होंने 10 बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, पट चली गई। लफंडर, एक नंबर का लफंडर आदमी, ये पतंग उड़ाने चल दिया है, इसको यही काम है सारे दिन, और कोई काम नहीं है लफंडर आदमी को। गाइस इसकी मैम ने इसको बोला है कि एप्लीकेशन लिख के दो कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, उसको सब्जेक्ट चेंज करना है, इसलिए ये स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिख रही है मैडम, और उसमें मेरे साइन होंगे और मैम के साइन होंगे, समझ में आई ना गाइस। मैं इस महीने इतनी बीमार रही हूँ पता नहीं क्यों, मेरे को 3 दिन हो गए पैरासीटामोल खाते खाते, मेरा बुखार उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है, पता नहीं क्यों गाइस, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट करा के पता लगेगा कि मेरा बुखार उतर चढ़ क्यों रहा है। मेरी मम्मी कैसे बोल रही हैं गाइस, इसकी मम्मी है ना बावड़ी है, क्योंकि ये सारे अकलमंद है, बस इसकी मम्मी बावड़ी है। मैं है ना, तू जब इधर, तेरी मम्मी बावड़ी है। नहीं तो आज मैं, तू बावड़ी है। नहीं मैं बावड़ी हूँ। हाँ सुन लिया ना गाइस, ये मुझे बावड़ी बता रही है, इतने बदतमीज बच्चे हैं। नहीं मैं बुखार में भी इनको सुबह सुबह रोटी बना के देती हूँ, मेरे को बावड़ी बताते हैं। इसमें क्या करूँ गाइस, मैं बड़ी परेशान हूँ इस टाइम, परेशान इतनी हूँ ना बस पूछो, पर मैं किससे करूँ जाकर, किससे। गाइस मेलो ड्रामा हो रहा है। नहीं गाइस सच्ची में मैं परेशान हूँ, मैं शरीर से परेशान हूँ इस टाइम, मैं रोज़ बुखार हो जाता हूँ, मैं दवाई खाती हूँ फिर लेटती हूँ फिर काम करती हूँ, फिर दवाई खाती हूँ फिर लेटती हूँ फिर काम। गाइस 11 तारीख को गदर 2 रिलीज हो रही है, आप सब देखने जाना अगर आप कट्टर हिंदू हो तो। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती ना तो मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बैठने की आदत ही नहीं है, करते रहने की आदत है। तो गाइस आपको पता है मैं एक काम कर रही हूँ, आज मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा भौंक रही हूँ, समझ जाना गाइस, मेरे को भौंकने की बहुत आदत है। भौंकना क्या होता है बोलना। गाइस आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी आँख दिखा रही है गाइस मुझे कि भौंकना मत बोलो, समझ गए गाइस। आँख मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं आई फ्लू की वजह से किसी को आँख दिखाऊंगी तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं आँख दिखा रही हूँ, इसलिए अभी मेरी आँखों का कोई काम नहीं है। नहीं गाइस मैं अपनी आँखों से सब घर चला लेती हूँ, सब कहते हैं इस बात को पर मैं भी मानती हूँ। सब कहते हैं, झूठ कहते हैं, ये दुनिया है झूठ की बनी हुई। देख लो गाइस मैं कितनी आँखों से दुनिया चलाती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। इस दुनिया में बहुत पाप भरा हुआ है, इस दुनिया में बहुत पाप भरा, ये बात सच है मेरी बेटी। लोग बात पीठ पीछे सबकी बुराई करते करते रहते करते रहो गाइस, ये कलयुग ऊपर वाला सब देखता है। कौन देखता है? ऊपर वाला, ऊपर वाले का अंधेर है, अंधेर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी से दुश्मनी ना पाले, ना पालने दे किसी को, ठीक है ना गाइस। गाइस चलो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा के लाते हैं अपने बालकनी का। गाइस देखो बहुत अच्छा व्यू है, सन देखो आप, सन अच्छा लगता है हमारी बालकनी से, और पतंगे भी उड़ रही हैं हवा में, प्लांट्स। यहाँ पे अम्मा लेटी हैं, सब सॉन्ग सुन रही हैं। हाँ अम्मा कोई सी भी दे दो। गाइस यहाँ मैंने घी निकाला, ये इतना निकाल लिया है और ये निकल रहा है,
मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं काम नहीं छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और सब देख सकते हो मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। मेरी आँखों का हाल और मेरे थोपड़े का हाल सूझ रहा है सारा। आज को लोग एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।